नमस्कार, मैं हूं अमीषा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। यौन शोषण के आरोपों के बाद अम्मा को आज भंग कर दिया गया। सुपरस्टार मोहनलाल समेत 17 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया। यौन शोषण के आरोपों के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को भंग कर दिया गया। इससे अम्मा के प्रेसिडेंट और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल समेत 17 मेंबर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अम्मा के 3 मेंबर्स के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट की शिकायत की गई थी। इनमें से 2 मेंबर्स के खिलाफ केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। एसोसिएशन को भंग करने का फैसला हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद लिया गया। दरअसल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से महिला कलाकारों के साथ यौन शोषण के आरोप लग रहे थे। इसके लिए 2019 में रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। 4 साल बाद 19 अगस्त को हेमा कमेटी ने केरल सरकार को 233 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है। कई बड़े कलाकारों द्वारा शोषण किए जाने की बात सामने आई है। विवादों से घिरी फिल्म एमरजेंसी पर आज हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई। कहा, मूवी में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की नई फिल्म एमरजेंसी को पंजाब में रिलीज करने से रोकने की मांग की। इमान सिंह खारा ने पिटीशन दायर की है। इस पिटीशन में उन्होंने कहा कि कंगना ने फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश किया है। इस पर 1-2 दिन में सुनवाई हो सकती है। पिटीशन दायर करने वाले इमान खारा असम के दिब्रुगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के वकील हैं। मुंडा में थिएटर्स के बाहर सिखों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कंगना रनौत का पुतला जलाया। सिखों का कहना है कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। उधर पंचकुला में आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि पार्टी किसानों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार। बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल के अंदर 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में प्रोसीजर फॉलो न करने पर पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, पुलिस ने बच्ची और उसके परिवार को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, जो असंवेदनशील और नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि स्कूल में चाइल्ड हेल्पलाइन थी या नहीं और स्कूल में काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया था या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने बच्चियों की क्लास टीचर को लेकर पूछा कि टीचर ने बच्चियों को एक पुरुष के साथ वॉशरूम भेजा, पर टीचर पर केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। ये सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने की। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल बिंद्रे सराफ ने कोर्ट में पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। मंकी पॉक्स को लेकर भारत में जांच के लिए RT-PCR किट तैयार किया। 40 मिनट में देगी रिजल्ट। मंकी पॉक्स के पब्लिक इमरजेंसी घोषित होने के 15 दिन के अंदर भारत ने संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR किट डेवलप कर लिया है। किट का नाम IMDX मंकी पॉक्स डिटेक्शन RT-PCR ऐसे है, जिसे सीमेंस हेल्थ इंडिया ने तैयार किया है। ये 43 मिनट में टेस्ट रिजल्ट देगी। स्वास्थ्य संगठन WHO ने 14 अगस्त को एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। ये 2 साल में दूसरी बार था जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया। इस वायरस का नया स्ट्रेन CLAD-1 पिछले स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी ज्यादा है। इससे बॉडी में रैशेस यानी लाल चक्के पड़ने लगते हैं। 50% केशों में केवल चेहरे पर, 75% केवल हथेली पर, 30% केवल इनर थाइस वाले एरिया। उदयपुर में भाजपा प्रदेश प्रभारी पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही। कहा, जब तक हम माफी नहीं मांगेंगे तब तक जहां जहां भी जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे। उदयपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी, काले झंडे दिखाए। राधा मोहन महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के बाहर राधा मोहन की गाड़ी को रोक लिया, उनकी कार के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा, जब तक राधा मोहन कांग्रेस के नेताओं को लेकर दिए गए बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे
तब तक वे जहां जहां भी जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे। दरअसल आज संगलोबर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक है। इसके लिए राधा मोहन उदयपुर पहुंचे थे। इसके बाद गुरुवार को राधा मोहन अग्रवाल बांसवाड़ा की 84 सीट पर उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। एलएसजी को मिले नए मेंटर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान संभालेंगे पद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बनाए गए हैं। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने साथ ही टीम के कप्तान केएल राहुल को लेकर कहा कि वे परिवार के सदस्य की तरह है। जाहिर से पहले 2022 के सीजन में गौतम गंभीर एलएसजी के मेंटर थे। गंभीर 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर बन गए थे, जिसके बाद एलएसजी के मेंटर का पोस्ट खाली था। लखनऊ में फिलहाल बॉलिंग कोच की पोस्ट खाली है, ऐसे में जहीर मेंटर के साथ बॉलिंग कोच की भूमिका भी निभा सकते हैं। बंगाल बंद के दौरान भाजपा नेता पर हुई फायरिंग, ममता बोली भाजपा बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। इसी के साथ कई नेताओं और वर्कर्स को हिरासत में भी लिया गया। भाजपा नेता प्रियांशु पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियांशु ने बताया टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड में फायरिंग की गई और बम भी फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी, एक गंभीर है। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी और डंडे से हमला किया। बनगांव और बारासा दक्षिण में ट्रेन रोकी गई। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही है। बंगाल बंद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे 16 दिन बीत गए हैं, न्याय कहाँ है? भाजपा बंगाल को बदनाम कर रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।